को पता है दुनिया में ना जाने कितने लोगों की मौत हर रोज करंट लगने की वजह से हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कभी आपको भी करंट लग सकती है, खुदा ना करे कभी आपको करंट लगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपके घर में आपके पड़ोसी या आपके अगल बगल किसी को भी करंट लगता है और उस टाइम आप उस जगह पे उपस्थित हैं तो किस तरह उस व्यक्ति को करंट लगने से बचा सकते हैं, उसकी मौत होने से आप बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। करंट यानी बिजली का झटका किसी को भी कहीं भी लग जाता है। इसका खतरा बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी मौसम में व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज या कोई भी बिजली से चलने वाली डिवाइस करंट लगा सकती है। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सभी बिजली के उपकरणों की साज संभाल सही से की जाए ताकि उनसे लगने वाले करंट की संभावना कम हो जाए। आप अपने घर में जब भी फ्रिज, कूलर, टीवी, फैन, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उसका सही तरीके से उसका अलाइनमेंट करें, उसको सही जिस चीज़ को जहाँ के लिए बनाया गया है वहीं उस स्थान पर रखिए और अच्छे से उसको सेट कीजिए। इसके अलावा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि करंट लग जाने पर किसी व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में कई बार बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है जानकारी ना होने की वजह से, और कई बार जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि किसी व्यक्ति को करंट लगने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि व्यक्ति का जान बचाई जा सके और खुद को भी सुरक्षित रखा जा सके। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में कि कैसे आप इसको बचा सकते हैं। अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे और आप उसे बचाने के लिए आगे बढ़ें, उससे पहले ये चेक कर लें कि आपके आसपास पानी और लोहे की कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से करंट बहुत जल्दी पास होती है। इसके बाद आप तुरंत सूखी चप्पल पहने और प्लास्टिक या सूखी लकड़ी की मदद से बिजली के उस स्विच को बंद कर दें जिससे आपके साथी को झटका लग रहा हो। आपके साथी को बचाने के लिए उसे छुए नहीं, वरना आप भी करंट की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए लकड़ी की मदद से उसे बिजली के संपर्क से अलग करने की कोशिश करें। आपने साथी को बिजली के संपर्क में आने के बाद उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा दीजिए। इस पोजीशन में व्यक्ति को करवट दिलाकर इस तरह लिटाएं कि उसका एक हाथ सिर के नीचे हो और दूसरा हाथ आगे की ओर सीधा हो। इसी तरह एक पैर सीधा हो और एक मुड़ा हुआ हो। इस पोजीशन में रखने पर व्यक्ति को जल्दी होश आने लगता है। व्यक्ति को कंबल या तौलिए से ना ढकें। अब ये जांचें कि व्यक्ति की सांसें कैसी चल रही है। अगर व्यक्ति धीमी सांस ले रहा है और वो थोड़ा जल गया है तो उस हिस्से को पानी से साफ कर दें। अगर खून बह रहा हो तो तुरंत उस स्थान को साफ कपड़े से बांध दें। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो या फिर सांस लेने जैसी कोई गतिविधि ना कर रहा हो तो तुरंत उसे CPR दें। जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाएं। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन अगर हमें उस दुर्घटना से सुरक्षित निकलने का रास्ता पता हो तो जान बचाना आसान हो जाता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान में रखें और CPR देने का सही तरीका भी ज़रूर सीखें ताकि किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकें, उसकी जान बचा सकें, उसकी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।